क्या आप लोग भी अभी जियो यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए? तो रुक जाइए, जियो से भी काफी ज्यादा सस्ते प्लान आपको देखने को मिलेंगे दूसरे ऑपरेटर में, और इवेन आप मजबूर हो जाएंगे जियो से स्विच होने के लिए, क्योंकि जितना जियो में आपको बेनिफिट मिल रहा है उससे 10 से 15 गुना इवेन 20 गुना ज्यादा आपको बेनिफिट देगा दूसरे ऑपरेटर में आप जब स्विच कर लेंगे तब। और मेन मकसद अगर आपका डेटा यूसेज ही है तब तो भाई आपको डेफिनेटली दूसरे ऑपरेटर में स्विच हो जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक लॉयल कस्टमर था जियो का, जो कि मैंने लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, कितने सालों से यूज कर रहा हूँ, और आप लोग भी यूज कर रहे होंगे। लेकिन अब दूसरे ऑपरेटर में स्विच होने का टाइम आ चुका है जिसमें आपका स्पीड भी अच्छा दे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो, बस थोड़े मोड़े लिमिटेशन हो। जैसे कि जियो का इंटरनेट स्पीड थोड़ा मेरे एरिया में काफ़ी कम आता है, जैसे कि सुबह होता है तो काफ़ी अच्छा इंटरनेट स्पीड आता है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, शाम होने लगती है, इंटरनेट का स्पीड घट जाता है। इसलिए मैंने स्विच कर लिया है अब दूसरे ऑपरेटर में, और मैं फिलहाल काफ़ी अच्छी तरह सेटिस्फाइड हूँ उस ऑपरेटर से, क्योंकि उसका स्पीड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंटरनेट है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और इवेन मैं जैसे कि रिचार्ज करता था जियो का प्लान में, 2 GB पर डे वाला प्लान 1 महीने के लिए मान के चले, 60 GB मैं 1 महीने में यूज़ करता था जियो के थ्रू, लेकिन वहीं अब मैं दूसरे ऑपरेटर के थ्रू अब डायरेक्टली यूज़ करता हूँ 550 GB से 600 GB तक या उससे भी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट तो देख ही सकते होंगे मैंने 1 महीने में इतने डेटा कंजम्पशन किए हैं। तो इस वीडियो में आप दिखाऊंगा साइड बाय साइड कंपेयर करके एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जो जियो है, इन सब के प्लान्स में कितने डिफरेंसेस है। जनरली तो अनलिमिटेड कॉलिंग सब में देता है, उसमें तो आपको कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ डिफरेंसेस देखने की बात आती है वो आता है डेटा प्लान के ऊपर, कितना डेटा दे रहा है, कितना प्राइस पे। जैसे कि आप डिसाइड करते हैं कि आपका डेटा कंजम्पशन किस हिसाब से है, उसी अकॉर्डिंग आप रिचार्ज करिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा कंजम्पशन के लिए ही सिम का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा लास्ट तक, आपको सारे डिटेल्स पता लग जाएगी कि आपको कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा ऑपरेटर का। और आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका एरिया में, अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तब तो भाई आप ऑपरेटर स्विच होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा प्लान आपका बेटर ऑप्शन होंगे। तो जनरली मेन हर एक लोग जो यूज़ करते हैं प्लान ऑलमोस्ट 1.5 GB पर डे वाला प्लान यूज़ करते हैं या उससे ऊपर वाला, तो मैं इस बार कंसिडर कर रहा हूँ 2 GB पर डे प्लान या उससे ऊपर वाला, क्योंकि ये वीडियो मेनली फोकस्ड है डेटा यूसेज लवर्स के लिए। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं ले चलता हूँ, और यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे एयरटेल वर्सेस जियो वर्सेस VI का प्रीपेड प्लान कलेक्शंस। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर करके रखा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप, यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स आप देख सकते हैं जियो के, एयरटेल के, 2 GB पर डे प्लान से लेकर 3 GB से 4 GB पर डे प्लान का। यहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, कितना प्राइस आपका चार्ज कटेगा हर दिन, और साथ साथ कितने GB, 1 GB का प्राइस आपका कितना पड़ेगा। और वहीं हम दूसरे स्लाइड में चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट प्लान 56 डेज का, जो कि लोग नॉर्मली करते हैं 2 महीने का प्लान यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ कंपेयर किया 2 महीने का प्लान डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स में, और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एयरटेल का 56 डेज का प्लान 3 है, और यहाँ पर जियो का अपना यहाँ 2 प्लान है, और यहाँ VI का 4 प्लान्स है। उसमें काफ़ी बेस्ट कौन सा प्लान है, और ये स्लाइड शो आप देखिए, ये स्लाइड शो में आप देख सकते हैं रैंक वाइज मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि आपका कौन सा डेटा कंजम्पशन के मामले में काफ़ी किफ़ायती होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं VI का यहाँ पर 449 का प्लान है 4 GB पर डे, सोच सकते हैं 450 रुपये में 4 GB पर डे, वो भी 2 महीने के लिए। और वहीं जियो का आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए जियो का 444 है, ये भी 450 अराउंड है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देता है 2 GB पर डे। और देख सकते हैं प्राइस कंपैरिजन तो आपको साफ देख के पता लग गया होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिट आपका VI के हो रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी VI में, और सबसे कम बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी एयरटेल में, बीच में आता है जियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक वाइज मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि प्राइस टू डेटा रेशियो, मतलब जितने कम प्राइस में जितना ज़्यादा डेटा दे रहा है उसी के हिसाब से मैंने अरेंज करके रखा है। तो आप यहाँ डिसाइड कर लीजिए कौन सा प्लान आप लोग के लिए बेहतर होगा। मैं जनरली यूज़ करता हूँ यहाँ 449 वाला प्लान, और इसी का मैं उपयोग करता हूँ। और यदि VI का आप रिचार्ज करते हैं तो डायरेक्टली आपका 40 रुपीज़ का कूपन दे देगा, जैसे कि जियो में पहले देता था, लेकिन जियो अब वो बंद कर चुका है, लेकिन अब वहीं VI लाइन पे आ चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। और यहाँ पर चलें 84 डेज़ का प्लान के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल का सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है 84 डेज़ 3 महीने वाला, और यहाँ पर जियो का प्लान है जो कि 2 ही प्लान देखने को मिल रहा है, और यहाँ VI का प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्लान देखने को मिल रही है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स के तौर पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप रीड कर सकते हैं क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल रही होगी।
और वहीं इसका कंपेयर जब मैंने किया तब यहाँ भी मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर भी आपका वीआई लीड कर रहा है, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है वीआई प्रमोशन करता नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो कंपनी और फैन बेस है, जो कस्टमर बेस है, वो नीचे ही गिरता जा रहा है फिलहाल, जैसे कि आपको न्यूज तो पता है लग ही रही होगी। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतने कम प्राइस पे ये कंपनी भी इतने सारे वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से लोग दूसरे ऑपरेटर में स्विच नहीं कर पाते हैं। तो ये एक डिमेरिट हो जाती है प्रमोशन ना करने की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 84 डेज का भी प्लान अगर आप ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पर वीआई लीड कर रहा है पहले दो नंबर पे, फिर उसके बाद जियो, फिर एयरटेल, फिर वीआई लास्ट में आता है। वीआई के भी काफी अच्छे प्लान से काफी महंगे प्लान भी है। तो ये कुछ मुझे देखने को मिले वीआई के अंदर, और मैं जो बता रहा था ना, जो आप ऑपरेटर में स्विच करने में मजबूर हो जाएंगे, वो वीआई ही है। क्योंकि भाई इसमें इतने सारे आपको बेनिफिट जो आपको देगा ना, आप सुन के हैरान हो जाओगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वीआई प्लान का मैंने एक यहाँ पर पीडीएफ बना के रखा है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में बिंग ऑल नाइट, मतलब कि अगर आप ये सिम यूज करते हैं और इन सभी में से कोई भी एक प्लान यूज करते हैं तो भाई 12 बजे रात से सुबह का 6 बजे के बीच में आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अनलिमिटेड डेटा। और यहाँ पर मैंने खुद पर्सनल यूज किया है, 12 बजे से 6 बजे सुबह डेली का डेली अनलिमिटेड डेटा देगा रात में। और इसमें दो चीज और है, और मैं दिखाता हूँ, जो वीकेंड डेटा रोल ओवर है ना, जैसे कि मंडे से फ्राइडे आपने डेटा यूज किया, लेकिन डेली डेली थोड़ा थोड़ा डेटा बच जाता होगा आपका, और वही थोड़ा थोड़ा डेटा आपका क्या होगा सैटरडे और संडे को कलेक्टिवली, जैसे कि मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हो गया ना, तो आप समझ लीजिए डेली आपका 1 GB डेटा बच जा रहा है, तो आपका 5 GB तो ऐसा ही वेस्ट चला जाता है। लेकिन वो क्या करेगा ना वोडाफोन आइडिया, वो जो आपका 5 GB जो वेस्ट डेटा है वो आपका सैटरडे और संडे को यूज करने के लिए दे देगा आपका एग्जिस्टिंग प्लान में। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है, एक तो यहाँ अनलिमिटेड डेटा दे रहा है रात में, प्लस वीकेंड डेटा रोल ओवर, तो आपका डेटा जो बच जाता है डेली का वो भी आप यूज कर सकते हैं, प्लस साथ में यहाँ वीआई का मूवीज एंड टीवी सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रहा है, और मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ। और आप तो यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, मैंने यहाँ 600 GB ऑलमोस्ट यूज कर लिया था 1 महीने के अंदर, और साथ साथ इसका जो स्पीड मैंने टेस्ट किया था, हर दिन आपका Mbps में ही जाएगा। रात में अगर आप यूज करते हैं 12 से 6 आपका 25-30 ऐसा Mbps जाता है, 20 से 30 तो जाता ही जाता है। और यदि आप दिन में यूज करते हैं, स्पीड टेस्ट में करता हूँ, तो यहाँ 5-6 Mbps तो फिक्स है, देता ही देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जाइए स्विच करिए, ये काफ़ी किफ़ायती है, जियो से काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, विश्वास नहीं हो रहा था, आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इन तीनों का PDF का प्लान आपका लिंक दे दिया, आप जाके साइड बाय साइड कंपेयर करके देखिए और एनालाइज कीजिए कि आप लोगों के लिए कौन सा प्लान बेहतर है। लेकिन ये बात सुन लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं शहर में आपका वोल्टेज काम नहीं करता है, तो आप डेटा यूज़ करने के मतलब कॉलिंग के दौरान आप डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ डिमेरिट्स है जो कि मैं कहना चाहता था इस वीडियो में। तो लेकिन आपका मेन मकसद डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल के दौरान अगर आप डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे कहीं कहीं एरिया में, मैं कहूँ तो स्टेट्स में, जैसे कि झारखंड है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर परफेक्टली काम करता ही नहीं है। लेकिन दूसरे शहरों में भी वोल्टी का सुविधा प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है कंपनी के थ्रू, इसलिए आपका वोल्टी का फीचर आपका देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका इंटरनेट के मामले में काफ़ी अच्छा है, गो ऑन टू दिस सिम मैं रिकमेंड करता हूँ। चलिए वीडियो यहीं रखता, आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन Be helpful and help others. Goodbye.